गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YMCC हेल्थ टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर बहुत ही भयावह तरीके से आगे बढ़ रही है। मैं आशा करता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे, मास्क पहनते रहें, हाथ धोते रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। दोस्तों, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं प्रोन पोजिशनिंग के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर एक वीडियो बनाए जिससे आपकी इस पोजीशन के बारे में आपकी जानकारी बढ़े और इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो साफ़ हो सके। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोन पोजीशन। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो एक होती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, इसको अगर बोले तो आम भाषा में सीधा लेटना, एस फॉर सुपाइन, और एस फॉर सीधा लेटने को हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी कि पेट के बल लेटने की पोजीशन को, जिसको पंजाबी में हम बोलते हैं पुट्ठा लेटना, तो इसको हम कहते हैं प्रोन पोजीशन। देखिए, ये जो प्रोन पोजीशन है कोई बहुत ही कोई एक नई चीज़ नहीं है, हम इसका इस्तेमाल जो है पहले भी करते रहे हैं। पुरानियाँ बीमारियाँ जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, या जो है ARDS के पेशेंट्स में हम इस पोजीशन का इस्तेमाल करते थे। इसमें हम क्या करते थे कि जो पेशेंट्स होते थे उनको उल्टा लिटाकर, उनको उनमें देखा गया था कि उनमें जो है सैचुरेशन जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाती है। तो इसलिए आजकल के जो कोविड के समय में इसको दोबारा से इस पोजीशन के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होती है। देखिए, ज़्यादातर हम जो अपना समय है वो सीधा सिटिंग पोजीशन में या जब हम लेटते हैं तो सुपाइन पोजीशन में बिताते हैं। इससे होता क्या है, जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई वो लंग का यूनिट होता है जहाँ से गैस एक्सचेंज होके हमारे ब्लड की तरफ जाती है। तो ऐसा देखा गया है कि जो हमारे पीठ की तरफ एल्वियोलाइज होते हैं वो आम तौर पे ज़्यादा खुले नहीं होते, और जब हम पेट के बल लेटते हैं तो ऐसा देखा गया है कि वो जो एल्वियोलाई होते हैं जो आमतौर पर खुले नहीं होते वो भी गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जब एल्वियोलाई खुल जाते हैं तो आपकी ऑक्सीजनेशन बेटर हो जाती है। इससे एक्चुअल में बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट कई मरीजों की जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉर्डर लाइन है, जैसे 92 या 90 से 95% के बीच में है, अगर वो प्रोन पोजिशनिंग करेंगे तो हो सकता है कि उनको बेनिफिट हो जाए। एक तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल्स में हैं जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में भी कमी देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि ये कैसे करते हैं। देखिए, आपको एक तो कंफर्टेबल बेड पे आप लेट सकते हैं, आपको पेट के बल लेटना है। एक जो आपको थोड़े से पिलोज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा, एक पिलो आपकी चेस्ट के क्रॉस आएगा और दो या तीन पिलो आपको हिप की स्टेबलाइजेशन के लिए वहाँ पे रखने पड़ेंगे। 8 से 12 इंच के जो पिलोज़ हैं वो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे आप जब लेटोगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी ऑक्सीजनेशन बेटर हो गई है। जिन लोगों की तो ऑक्सीजन, सपोज़ करिए कि किसी की ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो 90% या 92% के करीब है, और जब वो लेटते हैं तो उनकी सेचुरेशन बढ़ के 95-97% तक पहुंच जाती है, तो ये एक इंडिकेटर है कि ऐसे पेशेंट्स को प्रोन पोजीशन से लाभ हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसकी सैचुरेशन कम है उसको प्रोन पोजीशन करेंगे तो उनमें ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको करके ही देखना पड़ेगा कि आपको प्रोन पोजीशन से बेनिफिट होता है कि नहीं होता। फिर प्रश्न होता है कि ये कितनी देर के लिए करना चाहिए। शुरू में तो देखिए दोस्तों, आप आधे घंटे से और 1 घंटे तक आप इसको कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ा के 2 से 4 घंटे तक इस पोजीशन में रह सकते हैं। उसके बाद आप अपना साइड पे लेटिए, फिर उसको आप सुपाइन पोजीशन में आ जाइए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो एल्वियोलाई हैं हर तरफ जो आपके फेफड़े में हैं वो खुल जाएंगे और ऑक्सीजन की सैचुरेशन आपकी बेटर हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ये कब करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका करने का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपकी सैचुरेशन, आप नोट कर सकते हैं, अगर वो थोड़ी सी उसमें कमी आ रही है, जैसे कि अगर सैचुरेशन आपकी 98-99% तक रहती थी, अब वो 92% तक हो गई है,
आपको जैसे कि ज्ञात ही है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, जहाँ बेड है वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो आप ये घर पे रह के थोड़ी देर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। प्रोन पोजीशन में लेट जाइए और देखिए कि आपकी सेचुरेशन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अगर ये ऑलमोस्ट 4 to 5% से ऊपर बढ़ जाती है, तो इसका ये मतलब है कि आपके एल्वियोलाई खुले हैं और आपको इस पोजीशन में लाभ हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है, किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट में ये कारगर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जिनको हेड इंजरी हुई है, जिनका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको ये प्रोन पोजीशन नहीं करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट जिनको थूक से, मुंह से ब्लड आ रहा है, ऐसे पेशेंट्स को प्रोन पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। या ऐसे पेशेंट जिनकी फेशियल ट्रॉमा हुआ हो, फेशियल सर्जरी हुई हो, या ट्रेकिया की कोई सर्जरी हुई हो विद इन द लास्ट 2 वीक्स, ऐसे पेशेंट्स को प्रोन पोजीशन से परहेज करना चाहिए। बाकी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बहुत ही जिनको मोटापा है, उनको भी ये प्रोन पोजीशन ज़्यादा फायदा नहीं करेंगे। कार्डियक पेशेंट्स जिनको पेसमेकर लगा है विद इन 2-3 डेज, उनको भी प्रोन पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। या दोस्तों, जिनका कोई फ्रैक्चर हुआ है, स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, ऐसे लोगों को प्रोन पोजीशन में दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो में आपकी प्रोन पोजीशन के बारे में इन्फॉर्मेशन बढ़ी होगी। इन्फॉर्मेशन को आप अपना दोस्त बनाएं, आप इस कोविड की जो महामारी है, घबराए ना, इसका साहस से सामना करें और जानकारी को अपना दोस्त बनाएं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, जय हिंद। और अपने समाज का, अपने परिवार का और अपना ख्याल रखते रहें। थैंक यू।